तकरीबन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी, यानी राइस की जो इंसेक्ट पेस्ट होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम शुगर केन एंड वीट की पेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन जनरल अगर हम देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेस्ट है पैडी के, यानी ओराइजा स्टाइवा के कौन कौन से पेस्ट है, तो इनमें से हम वन बाय वन पेस्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, इसके बाद यहाँ पे आता है हाइरोग्लाइफस बैनियन एंड ट्राइफोराइजा इंसर्टुलस हिस्पा आर्मीजेरा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार पेस्ट होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम राइस गुंदी बग के बारे में यानी कि लेप्टोकोरिसा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो राइस बूंदी बग है ये इसकी क्लास इंसेक्टा होती है। इससे पहले फाइलम और किंगडम, किंगडम इसका एनिमेलिया होता है, फाइलम इसका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा क्योंकि ये इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा होता है एंड फैमिली इसकी कॉर्विडेई होती है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन है राइस बूंदी बग की, ये इस टाइप का इंसेक्ट नजर आता है। और इसका थोरिक्स जो है थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है इसका ये थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है। इसके अलावा फूड प्लांट्स मेनली जो है राइस के ऊपर ये फीड करता है। इसके अलावा मिलेट, ज्वार, मेज, बाजरा, शुगर केन एक्सेट्रा ये भी इसके होस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी होस्ट इसका राइस होता है और दूसरे भी इसके होस्ट जैसे कि मिलेट, ज्वार, मेज, बाजरा, शुगर केन ये हो सकते हैं। जनरल अपीयरेंस, देखिए ये इंसेक्ट जो है ये ऐसा नजर आता है। हमें इसकी जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अडल्ट इंसेक्ट इज अबाउट 20 mm इन लेंथ, 20 mm लेंथ का अडल्ट इंसेक्ट होता है। ये अडल्ट इंसेक्ट का यहाँ पे डायग्राम है। एंड इसके अलावा लाइट ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का होता है। It has long cylinder-less and four-jointed antenna. अब हमें पता है arthropods के अंदर क्या होता है, jointed legs पाई जाती है। तो इसके अंदर भी क्या होती है, इसके पास long cylinder legs होती है, ठीक है, इसकी legs जो है वो लंबी लंबी है and four-jointed antennae इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, फोर जॉइंटेड एंटीने इसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे करके फोर जॉइंटेड एंटीने इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद द निम्स आर स्मॉलर देन अडल्ट्स एंड यहाँ पे जो निम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं अडल्ट से एंड आर स्लाइटली ग्रीन इन कलर, वो थोड़े से ग्रीन इन कलर होते हैं। इसके बाद इसकी हैबिट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या इसकी गुंदी बग की आदतें होती है, क्या क्या हैबिट्स से शो करता है, ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स के अंदर। मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स जो होंगे उनके ड्यूरिंग ये एक्टिव होता है। अडल्ट इंसेक्ट इमिट अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल फ्रॉम द थोरेसिक ग्लैंड। अब इसका थोरेक्स जो होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है। यहाँ पे थोरेसिक ग्लैंड क्या करती है, एक अनप्लेजेंट स्मेल सीक्रेट करती है और उसी की वजह से इसका नाम जो है ये बूंदी बग पड़ा हुआ है। दीज इंसेक्ट रिप्रोड्यूस फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, जुलाई टू नवंबर ये इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एंड हाइबरनेट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, यानी जब सर्दी का सीजन आता है उस टाइम पे ये स्लीप को चले जाते हैं, अब छुप जाते हैं, ये हाइबरनेट हो जाते हैं। एंड जुलाई टू नवंबर यानी कि अभी इस सीजन में क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है इसकी, तो एंटायर लाइफ साइकिल 4 to 5 weeks के अंदर कंप्लीट हो जाती है। देर आर 5 broods इन 1 season एंड एक सीजन के अंदर ये 5 broods तक प्रोड्यूस कर सकता है। द मेन रिप्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, जुलाई टू नवंबर इसके अंदर मेन रिप्रोडक्शन अकर होती है। इसके पहले क्या हो, इसके बाद क्या हो जाता है, ये हाइबरनेट कर जाता है। इट हाइबरनेट्स दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर टू फरवरी ये क्या करता है, हाइबरनेशन करता है।
The pest makes its first appearance with the onset of monsoon rains and start breeding on grasses and other wild host on the field. And ये फरवरी तक तो क्या रहता है, फरवरी तक ही छिपा रहेगा. अब इसकी फर्स्ट अपीयरेंस कब दिखती है इस इंसेक्ट की, जब मॉनसून रेन्स आनी स्टार्ट होती है. ठीक है, मॉनसून रेन्स के टाइम पे इसकी फर्स्ट अपीयरेंस नजर आती है एंड फिर ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है ग्रासेस के ऊपर, जो भी वाइल्ड होस्ट फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर पाए जा रहे हैं उनके ऊपर ये रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है. इसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी फर्स्ट स्टेज आती है लाइफ साइकिल के अंदर, एग्स. ठीक है, एग्स जो है ये लीफ के ऊपर ये एग्स दिए हुए हैं. यहाँ पे फीमेल लेज 24 to 30 एग्स इन 3 रोज. 3 रोज के अंदर फीमेल क्या करती है, 24 to 30 एग्स ले करती है और 5 to 20 एग्स ऑन लीव्स ऑफ अ पैडी प्लांट. राइस के प्लांट्स के ऊपर, पैडी के प्लांट्स के ऊपर ये क्या करती है, रोज के अंदर एग्स को ले करती है फीमेल. एग्स आर ब्लैक ओवल एंड फ्लैट. एग्स कैसे हैं, ब्लैक है, थोड़ी सी ओवल है एंड फ्लैट है विद कनकेव मार्जिन एंड अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ. 1 मिलीमीटर लेंथ की होती है. द इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 5 to 8 days. अब ये एग्स का एक इंक्यूबेशन पीरियड है. इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये होता है 5 to 8 days का, यानी नेक्स्ट स्टेज जो है इसकी 5 to 8 days के बाद यहाँ पे आएगी. नेक्स्ट स्टेज एग के बाद, एग जो है 5 to 8 days लेंगे और वो बना देंगे निम्फ. निम्फ ये बना देंगे. निम्फ जो होता है, द एग हैच आउट इन द यंग निम्फ व्हिच आर पेल ग्रीन इन कलर, स्मॉल स्लेंडर लॉन्ग लेग एंड डिवॉइड ऑफ विंग्स. विंग्स जो है इसके अंदर ऐसे डिवॉइड में प्रेजेंट होते हैं. पेल ग्रीन ये होता है कलर में, स्मॉल होता है, स्लेंडर होता है एंड लॉन्ग लेग इसकी पाई जाती है. इसकी लेग कैसी होती है, लॉन्ग होती है. The nymphs grow into adult in 15 to 18 days. अब ये nymph क्या करेगा, ये nymph adult के अंदर बनेगा, adult stage आएगी और ये adult जो है 15 to 18 day के अंदर आ जाएगी. Eggs जो है 5 to 8 days के अंदर incubation के बाद nymph बनाया. Nymph 15 to 18 days के अंदर adult बना लेता है. तो नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है इसके अंदर adult. Adult जो है nymph develop into the winged adult. अब नीफ क्या होता है, वो विंग, जिसके विंग होंगे, जिसके पंख होंगे, उन ऐसे टाइप के इंसेक्ट्स के अंदर डेवलप हो जाता है जिसको अडल्ट बोलते हैं. लाइफ साइकिल जो होता है अडल्ट बग का, ये 33 to 35 days तक का हो सकता है. लाइफ साइकिल की अगर हम बात करिए, स्टेजेस लाइफ साइकिल के अंदर थी, एग्स थे, एग्स से नीफ बना, नीफ से फिर अडल्ट स्टेज आई, अडल्ट फिर से क्या करेगा, एग्स रिप्रोड्यूस करेगा, एग्स लेट करेगा. फीमेल जो है इंसेक्ट वो क्या करेगी, एग्स ले करेगी. तो ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है यहाँ पे. इसके बाद इसके डैमेज आते हैं, कौन कौन से डैमेज ये कोज करता है. द मेन डैमेज इज कोज्ड बाय निम्फ एंड द अडल्ट बोथ. निम्फ एंड अडल्ट दोनों ही मेन डैमेज कोज करते हैं राइस प्लांट्स के अंदर. बोथ सक मिल्की सेल्स फ्रॉम द यंग ग्रेन. जो ग्रेन्स होंगे अब राइस के, ठीक है, जो राइस होंगे उन राइस में से जो सेल सैप होगी, उस मिल्की सेल सैप को ये सक कर लेते हैं. सो ग्रेन स्ट्रीवल एंड टर्न वाइट. ठीक है, और वो वाइट टर्न हो जाएंगे, स्ट्रीवल होंगे वो सूख जाएंगे और वो वाइट टर्न हो जाएंगे. द डैमेज्ड ग्रेन आर मार्क्ड बाय ब्लैक स्पॉट्स ऑफ फंगस. इसके अलावा यहाँ पे फंगस लग जाती है एंड डैमेज ग्रेन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं जो कि फंगस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. द क्रॉप इज डैमेज्ड अप टू 40%. क्रॉप को 40% तक का डैमेज ये कोज कर देता है. बट समटाइम्स लॉस इज सो हाई दैट नो हार्वेस्ट अकर, कि कोई वहां पे हार्वेस्टिंग होती नहीं है. इतना पूरे की पूरे जो राइस प्लांट्स है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो डैमेज नीफ एंड अडल्ट दोनों ही कोज करते हैं. क्या करते हैं, ग्रेन्स की, राइस ग्रेन्स की जो सेल सैप है, मिल्की सेल सैप, उसको ये सक कर लेंगे, फिर वो स्ट्रीवल कर जाएंगे और इसके बाद वो वाइट टर्न हो जाएंगे एंड इसके बाद उसके ऊपर फंगस लगेगी, जो कि ब्लैक स्पॉट्स इसके ऊपर होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो फंगस इसके लग चुकी है. एंड 40% और इससे ज्यादा भी ये रिड्यूस पोज कर सकता है, डैमेज पोज कर सकता है राइस प्लांट्स के अंदर, फिर पैडी के अंदर.
कंट्रोल मेजर्स से कुछ हो सकते हैं, जैसे कि पैडी ग्रोइंग एरिया शुड नॉट हैव द वाइल्ड ग्रासेस इन सराउंडिंग, क्योंकि ये क्या करता है, रेनी सीजन जब आता है वाइल्ड ग्रासेस के अंदर वाइल्ड प्लांट वीड्स के अंदर ये ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो नहीं होगी तो इनकी ब्रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली वहां पे नहीं होगी उस एरिया के अंदर। तो जो पैडी ग्रोइंग एरिया है उनके अंदर ये वीड प्लांट्स या फिर वाइल्ड ग्रासेस नहीं होनी चाहिए। Such varieties of rice would be grown which is which seeds come out at later stage from the sheath. इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि resistant varieties grown करनी चाहिए और ऐसी type की rice की varieties grown करनी चाहिए जिनके seeds जो है वो later stage से निकल के आए sheath से। The insects would be caught by light traps. इंसेक्ट्स को लाइट ट्रैप के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। राइस प्लांट शुड बी डस्टेड बाय 20.25% बीएससी और 5% माल्थियोन। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड जैसे कि बीएससी और माल्थियोन इनका भी स्प्रे इसके ऊपर किया जा सकता है। लीव्स हैविंग एग्स शुड बी क्लिप्ड ऑफ एंड बर्न्ड। और जिन लीव्स के ऊपर एग्स ले किए गए हैं उन लीव्स को तोड़कर क्लिप करके उनको जला देना चाहिए ताकि वो जो स्पेस थी एग्स की वही नष्ट हो जाए, वही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आगे वो ग्रो ना कर पाए। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स है जिसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जा सकते हैं, या तो उनके एग्स को ही जला दें या फिर वाइल्ड ग्रासेस देना वहां पे उस फील्ड के अंदर हो जहाँ पे पैडी ग्रो एरियाज है। और इसके अलावा कुछ ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटीज ग्रो करनी चाहिए। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स है राइस बूंदी बग के लिए जो इसके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने राइस बूंदी बग के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग राइस के या फिर पैडी के पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।